नमस्ते, मैं सुमन श्री एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपके लिए करंट्स के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, लेकिन इससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का राज्य स्तरीय शुभारम्भ कब और कहाँ से हुआ है? तो इसका शुभारम्भ हुआ था 18 मार्च 2017 से बांसवाड़ा। इसके अंदर 2022 तक प्रत्येक गरीब व्यक्ति के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराना है और इसमें केंद्र 60% और राजस्थान 40% की राशि इसमें सहायता के लिए देगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम का आयोजन अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 में होगा, तो यह कोटा, उदयपुर और जोधपुर में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना में राजस्थान का स्थान है, तो उज्ज्वला योजना में राजस्थान का 5वां स्थान है और यह प्रारंभ हो गई थी 1 मई 2016 से बलिया उत्तर प्रदेश से। इसके अंतर्गत बीपीएल परिवारों को इस योजना में मुफ्त गैस कनेक्शन जारी करने की थी और इसमें पहला स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश का आता है। अगला सवाल है, बीएसएफ की प्रथम महिला अधिकारी बनी है, तो ये जो महिला अधिकारी बनी है पहली बार बीएसएफ में वो है तनुश्री पारिख और ये बीकानेर की है। अगला सवाल है, विदेश मंत्रालय की ओर से पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र POPSK कहाँ से शुरू हुआ है? तो वो हुआ है बीकानेर से। वर्ष 2016-17 के लिए कंज्यूमर फ्रेंडली स्टेट किस राज्य को घोषित किया गया है? तो राजस्थान है और राजस्थान के साथ साथ है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना। अगला सवाल, टोंक में स्थित यूनानी महाविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो वो पूर्व राष्ट्रपति हैं APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। अगला सवाल है, राजस्थान सूचना एवं प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है, तो यह दिवस मनाया गया है 21 मार्च 2017 को। अगला सवाल है, कृषि में महिलाओं के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने प्रतिवर्ष महिला किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया है, तो 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष जो है देखते हुए ये दिवस जो है वो मनाया जाएगा। अगला सवाल है, तीसरा राज्य स्तरीय जनजाति ग्रामीण युवा खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह आयोजन हुआ जयपुर में और 27 फरवरी से लेकर के 1 मार्च 2017 तक इसका आयोजन हुआ है। अगला सवाल है, हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन किन राज्यों के मध्य शुरू की गई है? तो यह श्री गंगानगर राजस्थान व तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के मध्य में। यह देश की चौथी हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कौन सा शुरू हुआ है? तो वो हुआ है 805। अगला सवाल, भड़ला सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है जोधपुर के फलोदी से। अगला सवाल, उस्ताद गुलाब खां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 प्रदान किया गया है किसे? तो यह गजल गायक है पंकज उदास, उन्हें यह दिया गया है। अगला सवाल है, फाजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो दुबई में आयोजित हुई थी उसमें राजस्थान के किस एथलेटिक ने 3 स्वर्ण पदक जीते थे? तो उनका नाम है सुंदर गुर्जर और ये राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के 35वें वार्षिक अलंकरण 2017, इस पर कर्नल जेम्स टोड अवार्ड जो दिया गया है प्रोफेसर सर एंगस डेटन को दिया गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। हल्दीघाटी अलंकरण जो पुरस्कार है वो दिया गया है प्रवीण स्वामी को खोजी पत्रकारिता के लिए और यह है राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। अगला है, महाराणा उदय सिंह अलंकरण, यह पुरस्कार डॉक्टर आर वासुदेवन को पर्यावरण संरक्षण के हेतु दिया गया है। उसके बाद में आता है पन्नाधाय अलंकरण, पन्नाधाय अलंकरण जो है कैप्टन राधिका मेनन को दिया गया है। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये जो प्रश्न मैंने निकाले वो बहुत सहयोग देंगे आपको। इसके साथ ही साथ ये भी इस वीडियो को अगर आपको ठीक से नहीं भी दिखे तो आप इसे अगर एग्ज़ाम तक 4 या 5 बार भी सुन लेंगे तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को
कर सकते हैं, बता सकते हैं इसके बारे में, पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।